आज का डेट है 9 फरवरी 2022 और मैं बहुत दिन के बाद अभी आया हूँ वीडियो में। ऑलमोस्ट 7-8 डेज हो गए जो जहाँ पे मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था यूट्यूब में। जो ऐसा था कि मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, पर्सनल इशू था, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और अपना काम पे बिजी रह रहा था। तो आज का डेट से आप लोग के लिए मैं डेली वीडियो भी लाता रहूँगा। और ऐसा है कि आज का डे है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है आज, तो वेडनेसडे में वैसे ही मेरे को जैसे काम रहता है नाइट शिफ्ट में, तो अभी उठ के मैं बिस्तर से उठ से खाना ख़त्म करके अब मैं ऑफिस के तरफ ही निकल रहा हूँ। और वैसा है कि ऑफिस में जाने के बाद भी काम करना पड़ेगा, काम करने के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसा है, नॉर्मल शेड्यूल है और आगे आगे क्या होता है आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगा। और जैसा कि अभी पता चल रहा है कि अभी नया रियलिटी शो भी आया है सोनी पे, जिसका नाम शार्क टैंक इंडिया है। मतलब इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि शार्क टैंक इंडिया क्या है, जो हमारा इंडिया पे नया नया बिजनेस मॉडल अभी जो रेडी हो रहे हैं, जो सभी छोटे छोटे बिजनेस को बड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं और बड़ा बड़ा एंटरप्रेन्योर्स भी बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फंड राइजिंग और फंड इन्वेस्टिंग करने के लिए ये रियलिटी शो आया है, जहाँ पे आप लोग जाके जरूर वो शो भी देख सकते हैं। और सोनी पे ही आता है शार्क टैंक इंडिया, जहाँ पे बड़ा बड़ा इन्वेस्टर लोग जैसे कि आप देख सकते हैं भारत पे का ओनर हो, असनीर हो, और बोट का मालिक हो, और यहाँ पे मामा अर्थ का भी ओनर हो, और सुगर कॉस्मेटिक के भी ओनर हो, शादी डॉट कॉम का भी ओनर हो, ये सभी लोग ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग हैं जो कि मेक इन इंडिया का एक नेक्स्ट स्टेप का प्रोसेस है 2022 टू 2030 तक उसको एक्सपांड करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ताकि जो बिजनेस और जो नया नया प्लान अभी नया लेके आ रहे हैं छोटे छोटे बिजनेसमैन, उन लोगों को फंडिंग करेंगे और मार्केट के हिसाब से उन लोगों को एक्सपांड करेंगे।
तो ये शो आप जरूर देखिए, और देखने से भी नया नया आइडिया भी मिल जाएगा क्या कैसा होता है, कैसा स्टार्टअप बिजनेस बनता है, स्टार्टअप कंपनी को कितना बड़ा तक ले सकते हैं मार्केट का एनालिसिस के लेके, डिमांड लोगों का डिमांड को लेके। तो ये शो आप जरूर विजिट कीजिए और देखिए भी, सोनी चैनल पे आता है और वैसा ही चल रहा है डेली बेसिस में, और आगे क्या क्या होता है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और वीडियो इसीलिए मैं नहीं डाल पा रहा था, कुछ काम का प्रेशर रह रहा था जिसके वजह से मैं, क्योंकि नाइट शिफ्ट का रहता है इसीलिए मैं डे में शूट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से ट्राई करूँगा आप लोग के लिए वीडियो रखूँगा। और आपका लाइफ में भी क्या क्या हो रहा है डेली बेसिस में वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और कुछ नया कंटेंट्स होगा तो मैं आप लोग के लिए रेडी करूँगा और आपको ब्लॉग चैनल पर डाल के रखूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और वीडियो डिले हो गया था 7-8 दिन के लिए, इसलिए सॉरी बोलता हूँ, और सभी लोग एंजॉय कीजिए अपने लाइफ पे और काम में ध्यान दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।